नमस्कार दोस्तों, कपिल शर्मा जो अक्सर विवादों में घिर जाते हैं, इस बार फिर से वो विवादों में घिर चुके हैं। और आपको बता दें, बॉलीवुड का इस बार एक सिक्योरिटी गार्ड गायब हो चुका है, फोन बंद है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कहा जा रहा है कि मामला निकल के आ रहा है कपिल शर्मा के शो से लेकर। स्मृति ईरानी जो इस समय बीजेपी के एक नेता है, जी हाँ एक मंत्री है, और कुछ टाइम पहले तक हम उनको देखते थे स्टार प्लस के एक नाटक में जो कि आता था क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, उसमें तुलसी का रोल निभाती थी स्मृति ईरानी जी। कहा जा रहा है कि अभी ये पहुंची थी कपिल शर्मा के शो में अपनी एक नई बुक को लॉन्च करने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए, जिसका नाम बताया जा रहा है कि लाल सलाम था। लाल सलाम को बुक के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में जाती हैं, और जैसे ये कपिल शर्मा के सेट पर पहुंचती हैं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड इनको रोक देते हैं। और जब इनको रोका जाता है तो ये पूछती हैं कि आपने मुझे क्यों रोका, तो इनका कहना था कि आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ये कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, मतलब बीजेपी के एक मंत्री और यहाँ तक कि टीवी सीरियल का पार्ट रहने वाली स्मृति ईरानी जो पहले सास और बहू वाले रिश्ते को बताती थी किस तरीके से निभाया जाता है, अभी अक्सर वो पॉलिटिक्स में आ चुकी है। पर जिस तरीके से इस समय उनकी कपिल शर्मा के शो में बेइज्जती की बातें निकल के आ रही है बार, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये एक अफवाह तो नहीं है? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस समय कपिल के शो में जब उनको बुलाया गया तो वो अपने प्रमोशन के लिए जब पहुंची थी बुक के प्रमोशन के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और बोला कि मैं आपको जानता ही नहीं, आप कौन हो? उन्होंने कितनी बार बताया कि वो कौन है, यहाँ तक कि फिर भी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता। और ये सब बोलने के बाद प्रमोशन और कहा जा रहा है कि कपिल की टीम से बात करने की कोशिश भी की, क्योंकि स्मृति ईरानी के साथ उनका ड्राइवर और दो लोग और थे उनके टीम मेंबर में से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कपिल की टीम से बात करने की कोशिश की गई पर बात नहीं हो पाई। और उसके बाद स्मृति ईरानी को वहां से गुस्से से लाल होकर लौटना पड़ा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब जब वो सिक्योरिटी गार्ड को ये बातें पता लगी कि वो स्मृति ईरानी जो आई थी वो बीजेपी की मंत्री हैं और वो टीवी सीरियल का भी पार्ट रह चुकी थी, तो कहा जा रहा है कि तब से वो सिक्योरिटी गार्ड गायब हो चुका है, उसका फोन बंद है और वो कहाँ गया अभी ये भी नहीं पता। कपिल को जब ये बात पता लगती है तो कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा और उनकी टीम लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है स्मृति ईरानी और उनकी टीम के साथ, पर कहा जा रहा है कि अब कॉन्टैक्ट कहाँ हो पाएगा और अब मुश्किल है कि स्मृति ईरानी दोबारा शो में पहुंचे। क्योंकि एक तरफ स्मृति ईरानी जो इस समय जिस गद्दी में बैठी हैं, उस गद्दी पर बैठने के बावजूद उनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहचान रहे, तो सोचिए क्या पहचान बनाई है मैम ने। आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने उनको नहीं पहचाना और वो वापस लौट गई, अब कपिल वहां पर उनको बनाने में लगे पड़े हैं। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड को जैसे ही पता लगा कि वो बीजेपी की मंत्री थी, वो टीवी सीरियल का पार्ट रह चुकी हैं, वो जानी मानी हस्ती हैं देश की, उसी समय सिक्योरिटी गार्ड भी गायब हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का भी पता लगता कि आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड गया तो गया कहाँ, फोन ऑफ है, उसको ढूंढना भी जा रहा है पर नहीं मिल रहा है। पर इस तरफ देखा जाए तो आखिरकार कपिल शर्मा के शो में इतनी बड़ी एक बीजेपी की मंत्री पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ पहले सीरियल का पार्ट रह चुकी स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं, फिर भी कपिल शर्मा ने ये जानकारी अपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दी, कपिल खुद स्वागत के लिए नहीं आए, कपिल ने किसी टीम मेंबर को नहीं बताया कि आखिरकार स्मृति ईरानी आने वाली है, तो आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही किससे हुई, कपिल शर्मा से या सिक्योरिटी गार्ड से? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो वही करता है, तो क्या स्मृति ईरानी को जानबूझकर अंदर नहीं आने दिया गया या फिर ये एक भूल थी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कपिल शर्मा को अगर ये पता था स्मृति ईरानी जी वहाँ पहुँचने वाली हैं, तो क्या कपिल शर्मा को खुद उनको रिसीव करने नहीं जाना चाहिए था या फिर किसी टीम मेंबर को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? अब देखने वाला विषय ये होगा कि इस पूरे मामले में कपिल शर्मा के शो को या फिर कपिल शर्मा को किस तरीके का झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बातें फैली हैं सोशल मीडिया पे उसके बाद तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जल्दी स्मृति ईरानी उस शो में तो मुझे लगता नहीं दिखने वाली हैं। क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि अभी हाल ही में कई और लोग शो में ज़रूर दिखे पर स्मृति ईरानी नहीं दिखी हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी को खुद सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से ही उनको वापसी जाने के लिए बोल दिया। और हद तो तब हो गई जब स्मृति ईरानी उनसे बोलती है कि आप सर्च करो मैं कौन हूँ, सामने से एक जोमेटो बॉय आता है डिलीवरी वाला, उसको सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाने देता है जो कि अंदर टीम मेंबर को खाना पहुँचाने आया था। मतलब स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं बीजेपी की, जो टीवी स्टार रह चुकी हैं, उनको ना जाकर
दूसरी तरफ जोमेटो बॉय को अलाउ कर दिया गया और वो अंदर जाके आराम से अपनी डिलीवरी को पहुंचा कर आया। अब यहाँ पर किसकी बेइज्जती है किसकी नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर सबसे बड़ा झटका यहाँ पर क्या कपिल को लग चुका है? क्या कपिल के शो में ऐसा कुछ हुआ है या फिर ये एक अफवाह फैलाई जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय ये बहुत वायरल है, और अगर ये वायरल हुआ है तो इसका मतलब सवाल ये उठते हैं कि क्या स्मृति ईरानी इस पूरी बात को लेकर अब कपिल के शो में दोबारा दिखने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं सेट में पहुंचने के बाद सेट के बाहर से उनको ना पहचान के उनको वहां से वापस जाने को बोल दिया जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से लाल होकर अपने टीम मेंबर के साथ वापस आ जाती हैं, और जिसके बाद कपिल की टीम उनसे कांटेक्ट करने की खूब कोशिश कर रही है पर कोई भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद स्मृति ईरानी कांटेक्ट करना नहीं चाहती होंगी। जिस तरीके से बातें निकल के आ रही है, सवाल ये बड़ा उठाती है कि आखिरकार कपिल शर्मा जो अक्सर दिखाते हैं कि हम लेट आए शो में, लोग बोलते हैं, पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी टाइम पर पहुंची और कपिल शर्मा ने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया, सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं पता स्मृति ईरानी कौन है, सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं पता स्मृति ईरानी आने वाली है शो में, तो भाई साहब गलती किसकी है यहाँ पर? अब इसका झटका कपिल के शो में किस तरीके से लगेगा या फिर किस तरीके से कपिल को इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो वक्त बताएगा। पर आपकी राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप कि वो सिक्योरिटी गार्ड फिलहाल कहाँ चला गया है, कहाँ पर है वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका फ़ोन तक बंद आ रहा है, जो खबर यहाँ पर कई सारे प्रिंट मीडिया दिखा रहे हैं? अब देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी अगर कुछ बोलेंगी तो कब बोलेंगी, या फिर कपिल शर्मा कुछ बयान रखना चाहेंगे तो वो कब रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही निकल के आ रही हैं। ऑफिशियली तौर पर किसी ने ये जुबान से नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ है, पर जिस तरीके से खबर फैल चुकी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, तभी फैली है इतनी बातें। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार स्मृति ईरानी के साथ जिस तरीके का बिहेव हुआ है, स्मृति ईरानी के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, जो कि राहुल गांधी को उन्हीं के क्षेत्र में हरा कर आई थी, आज उनको सिक्योरिटी गार्ड कपिल शर्मा के शो के जो बाहर गार्ड खड़े हैं वो नहीं पहचान पा रहे, तो फिर क्या आम जनता उनको पहचान पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने अभी हाल ही में अपना वेट भी लूज कर लिया है, तो पहले वो जो तुलसी के रूप में हम देखते थे शायद अब उसी रूप में उनको देखा जा रहा है, इसीलिए क्या गार्ड ने उनको नहीं पहचाना या फिर कोई और रीज़न है? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अगर नहीं पहचान रहा तो समझिए क्या आम जनता में से कुछ लोग उनको पहचान पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि इस पूरे मामले में कौन अपनी राय पहले रखता है और कौन इस पूरे मामले को लेकर क्लियर एक बात बताता है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ स्मृति ईरानी के साथ? क्या वो बीजेपी के नेता है इसलिए या फिर कुछ और रीजन है इसलिए? आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बता दिया जाए स्मृति ईरानी एक अच्छी दोस्त मानी जाती हैं एकता कपूर की, क्योंकि एकता कपूर के सीरियल में ही वो काम करती थी, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू तक सीरियल आता था स्टार प्लस में आज से कई साल पहले, और शायद उन्होंने अपना पहला सीरियल भी एकता कपूर के साथ करना ही शुरू करा था, और अभी हाल ही में पद्मश्री मिलने के बाद उन्होंने एकता कपूर को बधाई भी दी थी। और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जी जो बात करती है महिलाओं को लेकर, वही स्मृति ईरानी जी ने दिशा सालुन को लेकर कुछ भी बात नहीं करी थी, ये भी सच्चाई है एक बात को तो अगर देखा जाए, इसको हम नहीं मुकर सकते। पर दूसरी तरफ अब स्मृति ईरानी के साथ जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से उनको जाने के लिए बोला गया है, जिस तरीके से उनको भगाया गया है, ये बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार कौन हो सकता है जो स्मृति ईरानी जी को ना पहचाने? क्या आप उनको पहचानते हो या नहीं पहचानते, आप अपनी राय रखना मत भूलिएगा। और सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म नहीं करना किसकी गलती है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ टीम मेंबर को भी नहीं बताना किसकी गलती है, खुद रिसीव नहीं करने आना किसकी गलती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका साथ का समय बहुत ज़रूरत है। और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको ज्वाइन करिए, बहुत जल्दी उसमें शॉर्ट्स वीडियो स्टार्ट होने वाली हैं, उम्मीद करूंगा आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।